ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से जो छोटा सा नहर निकाला गया था, कितनी बड़ी बात है। पानी का जो फ्लो है वो इधर से भी पानी आ रहा है और नीचे से भी पानी जा रहा था, उसका जो अंत है यहाँ पर अंत कर दिया गया है। ये अंत होकर आगे खेत में जा रहा है, आप देख सकते हैं आगे खेत में जा रहा है। लोगों को धान की खेती करने में दिक्कत ना हो, किसान को, इसके लिए यहाँ से ये दिमाग लगाया गया था। और ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है लोगों के दिमाग की, और यहाँ पर ये निकाला गया, आप देख सकते हैं। जगह की खासियत आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो छोटा सा झरना यहाँ पर बनाया गया है, इसका खासियत बहुत बड़ा है। आप देख सकते हैं ये जो वैज्ञानिक तरीके से गांव के लोग जैसे करते हैं, यहाँ पर इस तरह का काम किया गया है। यहाँ पर गहरा पानी है, थोड़ा देख करके जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पानी है यहाँ पर खूब ज़्यादा बहाव है। और यहाँ से बहुत बड़ी चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से जो झरना है वो निकाला गया है, छोटा सा जो नाला है वो निकाला गया है, आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। और किसी भी मशीनरी का उपयोग करके नहीं किया जाता है, ये हाथों से और खुद के दिमाग से और खुद के बुद्धिमानी से ये किया जाता है। ये गांव के एरिया में आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत बड़ी बात है। ये जो जगह है वो उमरकुई और जो डूंगरपारा गांव है उस जगह के जंगल से, ये नहर से मैं आपको ये न्यूज़ दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। ये देख सकते हैं यहाँ जो बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पर निकाला गया है, ये नहर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर दो तरह का यहाँ पर निकाला गया है, एक बड़ा नहर जा रहा है और एक छोटा जा रहा है। कितनी बड़ी बात है, इस जगह से लोग किस तरह से पानी का जो बहाव है निकाले हैं, और देख सकते हैं ये जगह बहुत ही अजीब और गरीब है। आप देख सकते हैं यहाँ से किस तरीके से पानी जा रहा है और कैसे बनाया गया होगा, आप देख सकते हैं फ्लो जो है पानी का वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर नहा रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ से भी एक झरना आया है और यहाँ से भी आया है, दो झरना आप देख सकते हैं पहाड़ी से। ये जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं दादरा एवं नगर हवेली का देख रहे हैं, आप देखते रहिए।